अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, हमारे यूट्यूब चैनल इमामुद्दीन ऑफिशियल में आप हज़रात का खैर मकदम। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से कि आप अच्छे होंगे। इस मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि बाज़ लोग जो है ना बड़ा जाहिलाना अंदाज़ अपनाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं ज़बान से। देखिए, मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ बड़ी कीमती गुफ्तगू है, ये 2-2.5 मिनट में आपके जो ले रहा हूँ बड़ी कीमती गुफ्तगू है, इसको आप समाप्त कर लें। देखिए, बाज़ लोग क्या करते हैं, अपनी गरीबी और मिस्कीनी को देख करके देखते हैं कि मैं बड़ा गरीब और बड़ा मिस्कीन हूँ, सामने वाला बड़ा मालदार है, करोड़पति आदमी है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है और मुझे चलने के लिए साइकिल भी नहीं है। तो वो उनकी ज़बान पर एक शिकवा आता है कि परवरदिगार, वो भी तेरा बंदा है जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है और आला बिल्डिंगों में रह रहा है, आला महलों में रह रहा है, और मैं भी तेरा बंदा हूँ कि मुझे चलने के लिए साइकिल भी मैसर नहीं है और रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है, जुमला क्या बोल देते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, वो भी तेरा बंदा, मैं भी तेरा बंदा, उसके लिए इतने आला महल महल्लात और मेरे लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए इतनी आला ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी ये है कि रोड के किनारे कट रही है। परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तो देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा जुमला बोलता है तो ऐसा जुमला बोलना कुफ्र है, ऐसा जुमला बोलने से आदमी काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शिकवा कर रहा है, शिकायत कर रहा है उसके तकसीम करने पर। वो उसकी कुदरत है, उसकी रहमत है, वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, तो उसके बांटने पर, उसके तकसीम करने पर किसी को भी अंगुष्ट नुमाई करने की इजाज़त नहीं है, किसी को ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है। वो जिसे चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है अता कर देता है, और जिसे नहीं चाहता है उसे नहीं अता करता है। तो मैं या आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मौला, ये तेरा कैसा इंसाफ है। उसकी ज़ात है, वो जिसे चाहे नवाजे, जिसे चाहे ना नवाजे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, तब भी आपकी ज़बान पर शिकवा नहीं आना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। बाहर शरीयत जिल्द नंबर 2 में इरशाद फरमाया गया कि ऐसा शिकवा करने वाला कि मौला, ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐसा शिकवा करने वाला काफिर हो जाता है। लिहाजा ऐसी शिकवे करने से बचे। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग़।